புரியும் பாத்து मुझे तुम्हारे घर के सारे राज पता है, पर अब मैं ये राज और तुम्हारे हर्ष की सच्चाई पूरी दुनिया को बता देंगे। राम शास्त्री, अपना टाइम गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अब दोनों तुम और तुम्हारे परिवार के बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। थैंक यू बेटा। हर्ष को बाहर निकालने के लिए जिस तरह तूने उसे उस अंधेरी कुटरी से बाहर निकाला है ना, जिंदगी के अंधेरों से भी बाहर निकाल लेना बेटा। और मैं जानती हूँ तू ऐसा कर सकती है, हमेशा इसका साथ दे। प्लीज दादी, प्लीज आप ऐसा मत करिए हमारे सामने, प्लीज। हर्ष भाई आ जाओ मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं मुझे यही लड़ाई यही मुझे दादी देखो मेरे को अब हम लेकर चले जाते हैं इनको। हाँ कोई बात, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हाँ हमारे साथ चलेंगे। हाँ कहीं नहीं जाएगा ये। शिखर संभालो। चुप। जानकी हर्ष का हाथ छोड़ो, इसे कैसे संभालना है ये हमें आता है। चल हर्ष। मैं नहीं जाऊंगा। अपना मुंह बंद कर और चल। मैं नहीं जाऊंगा। अब ठीक है हम आप हमारे साथ जाएंगे। हाँ भैया, हर्ष सर को हम ही अपने साथ लेकर जाएंगे। गलत इन्होंने हमारे साथ क्या है, इनके साथ क्या करना है, इन्हें कैसे सुधारना है, ये तो हमें डिसाइड करना चाहिए। क्या करोगी मिसेस? मुझे पनिशमेंट तो नहीं दोगी? मुझे पनिशमेंट दे दे। मुझे पनिशमेंट तो नहीं दोगी ना? देखो इसे, तुम्हारा पति होने के साथ साथ ये पागल भी है। मैं पागल ही हूँ? मुझे पागल मत। आप पागल नहीं है। जानकी, हमने तुम्हें समझाया था कि हमारे उसके बीच में होता ना। भैया प्लीज यार, अब हर्ष भैया को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भाभी को दे देनी चाहिए। तो अपना मुंह बंद रख। राजेश बिल्कुल सही कह रहा है शिखर। दादी, बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, पर इस घर में सबसे बड़ी मैं हूं और मैं जानकी को यह अधिकार देती हूं कि वो हर्ष की देखभाल करे। ये है वो कि चुपके से शास्त्री मेंशन में घुस आया है। यह है कौन? यही तो पता लगाना है, कौन है ये और हमें क्यों ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? हाँ ब्लैकमेल। सुनिए चलिए ना, चलकर आराम कर लीजिए, कितना काम करेंगे। गुड़िया, मैंने पहले नहा लिया और चेंज भी कर लिया। गुड़िया 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 सुनो ना गुड़िया, तुम मुझे पनिशमेंट तो नहीं दोगी ना? सॉरी ना, मैंने जान के नहीं किया था वो। सुनो ना, मैं क्या ये देखो ना, मैंने ऐसे सॉरी, मुझे लगा कि वो कलम होता तो मैंने ऐसे। ठीक है ये लो, ये पकड़ो, ये तो मेरे कपड़े हैं। हाँ मैं पता ही, आपके कपड़े लीजिए लीजिए। और ये कपड़े ना कबर्ड में रख दो, और कबर्ड में ना गुड़िया नहीं कपड़े रखते हैं। ओके